हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईडी कर्मा। मैं प्रदीप वर्मा का स्वागत करता हूं और हम लोग पहुंच गए हैं, बिगनिंग हो चुका था, कॉन्क्लूजन पे हैं। हाँ, उसमें एक छोटी मिस्टेक हुई है, मैं पहले से माफी चाहता हूं उस मिस्टेक के लिए। हो सकता है कुछ लोग आगे तक गए नहीं हो, इसलिए अभी तक मेरे को कमेंट नहीं दिखा एक भी। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि जो इलिप्स की स्लोप फॉर्म है उसमें ए रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है और दूसरे में माइनस बी स्क्वायर आता है। वो टाइपिंग में गलती हुई है, रिवर्सिबल हो गया है और उसकी वजह से सब कुछ रिवर्सिबल हो गया है। तो दिमाग में रखिएगा कि जो इलिप्स होता है उसके रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है और हाइपरबोला में वो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आता है, मतलब ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, ये एक मिस्टेक हुई, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। तुरंत माफी मांगना चाहिए, गलतियां हो माफी मांगिए, खुद को हल्का कीजिए जिससे आगे से कभी गलती ना हो। और उसमें मैं मिस्टेक जो हुई है मैं आगे उसे एडिट करवा दूंगा, अभी शायद एडिट नहीं हो पाएगा तो मैं आगे जाके उसे एडिट करवा दूंगा। अगर किसी का कमेंट अभी अब आता है तो मैं पहले से माफी मांगता हूं, वो गलती है उसे ठीक कीजिएगा। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और क्वेश्चन में अपन उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, लेट एल बी द टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 20 एट पॉइंट 6.2। लेट एल इज ऑल्सो द टेंजेंट, भाई कॉमन टेंजेंट का बेसिकली केस है, ठीक है ना। कॉमन टेंजेंट के केस के लिए क्या करेंगे, इसकी जो टेंजेंट है वो इसकी भी टेंजेंट है। तो ये बोल रहा है कि जो पैराबोला है उसकी टेंजेंट किस पे, किस पॉइंट पे है, 6.2। पुट करके देखो, x की जगह हम 6 रखते हैं, 24 माइनस 20, y की वैल्यू इसकी यहां पे 4 आया, y स्क्वायर अगर 4 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब ये पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है। अब हमने पैराबोला में भी सीखा था, इलिप्स हाइपरबोला के लिए बताया है, अगर पॉइंट कर्व पे लाई करे किसी भी सेकंड डिग्री कर्व में, सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, हम हमेशा उसे t इक्वल टू 0 से सॉल्व करेंगे। सो ऐसा, सो इट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 20। सो y y1 t इक्वल टू 0 लगा रहा हूं भाई बच्चों, है ना। सो y y1 y1 इज 2 इंटू 2x लिखूंगा, तो x प्लस x होता तो x प्लस x1 आ जाएगा, x1 इज 6 माइनस 20, पूरे में से 2 हट रहा है हटा दो, x प्लस 6 माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा। तो ये भाई लाइन की इक्वेशन इतनी सुंदर सी आ गई है। अब ये इसकी भी टेंजेंट है, तो इसकी टेंजेंट है तो इसकी स्लोप फॉर्म लो। इलिप्स की स्लोप फॉर्म क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 2, तो 2m स्क्वायर, और यहां पे प्लस होगा, मैंने शायद थ्योरी में, मुझे अभी याद नहीं, थ्योरी में अगर मैं माइनस बता दिया है, मुझे इतना याद आ रहा है क्योंकि वो टाइपिंग में प्लस और माइनस का इंटरचेंज कर दिया है, टाइप करने वाले ने थोड़ी गलती कर दी है तो वो इसकी वजह से गलती हो गई है। तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर की जगह बी लिखा हुआ है तो हम बी लिख रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर मत कीजिएगा गलत हो जाएगा अदरवाइज। अब देखो, अब इनको कंपेयर कर लो, तो एम की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1, ठीक है। इधर माइनस 4 बराबर है प्लस माइनस रूट ऑफ 2m स्क्वायर प्लस बी, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इट इज 16 इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस बी। अब एम की वैल्यू, एम की वैल्यू 1 थी, 1 पुट कर दे, खत्म है क्वेश्चन, इट इज 14, बी की वैल्यू 14 आ रही है। बिल्कुल सड़े से क्वेश्चन दिखेंगे आपको, टेंजेंट के, कॉमन टेंजेंट के, हल्के फुल्के, नॉर्मल के, अदरवाइज बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं आए। अपन इस ऐसे चैप्टर्स को छोड़ के जा रहे हैं ज्यादातर लोग जिस चैप्टर में कुछ भी नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एल बी, सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, लेट एल बी द कॉमन टेंजेंट लाइन टू द कर्व 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड 2x स्क्वायर, दिस कॉमन टेंजेंट का केस है, देन द स्क्वायर ऑफ द स्लोप, जो भी स्लोप आएगा कॉमन टेंजेंट का उसके स्क्वायर बताना है। तो आपको दिख रहा है ये इलिप्स है, 36 का डिवाइड करो, 4x स्क्वायर बाय 36 प्लस 9y स्क्वायर, ये सब पिछले साल के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है आपसे, आप चेक कर सकते हैं, कोशिश करें तो उम्मीद बनेगी, विश्वास बनेगा और आप मजबूत होगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह 9 है, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 4, एक तो ये आ गई टेंजेंट, और ये टेंजेंट क्या है, ये सर्कल है, ये है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 31, तो भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 31 बाय 4। अब या तो इसकी भी स्लोप फॉर्म लिखो, दोनों की स्लोप फॉर्म को इक्वेट करो, या भाई ये है तो ये टेंजेंट है और ये सर्कल रहा, अगर ये सर्कल की भी टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर है 0.0
और सर्कल की रेडियस दी है रूट 31, इसको लिख सकते हैं रूट 31 बाई 2 का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेडियस है इसकी, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी। तो किसी भी लाइन, किसी पॉइंट का किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पहले से ऐसे लिख लेंगे एफ एक्स माइनस वाई प्लस माइनस 9 एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। पुट करो दोस्तों, ये 0 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 एम स्क्वायर प्लस 4 बाय रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, रेडियस कितना है रूट 31 बाय 2 लिख देता हूं, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो इट इज 4 टाइम्स ऑफ 9 एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 31 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, सो इट इज 36 एम स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 31 एम स्क्वायर प्लस 31, सो दिस विल बी 5 एम स्क्वायर एंड दिस इज 15, सो एम स्क्वायर हमसे यही मांग रहा है, स्क्वायर ऑफ द स्लोप आंसर विल बी। भाई समझ में आ रहा हो सबको, कुछ भी नहीं किया है, जो किया है आपके सामने है, केवल कॉमन टेंजेंट का केस लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा कोई ये भी कह सकता था कि सर ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इसमें पुट कर दें सर्कल में और डी जीरो कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन करा के बता रहा हूं, दिया हुआ है थीटा 0 टू पाई बाई 2 इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला दिस इज रूट 5। अब हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आपको याद हो, पहले तो इसे हाइपरबोला में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा टू 10, ये 1 है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड कर लो 10 प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से पहले आप a निकाल लो, a कितना है दोस्तों रूट 10, b कितना है इक्वल टू 1 है या माइनस 1 है, 1 है, तो सिंपल तरीका है b होता है कितना रूट 10 कॉस थीटा होगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस पॉजिटिव है। हमसे बोला गया है इसमें रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो ई स्क्वायर इक्वल टू आएगा रूट सॉरी ई आएगा, इसकी सेंट्रिसिटी बोली है ना रूट फाइव, ठीक है, ई आएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का आएगा। तो यहां पर यह दिया हुआ है रूट फाइव रूट अंडर वन प्लस बी, बी स्क्वायर इज रूट 10, बी स्क्वायर हो गया 10 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 10, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया है दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमारे पास कॉस यहां पर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ही लगाएंगे, बिल्कुल बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा, तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 5, देखना पड़ेगा रूट फाइव टाइम्स था, अच्छा ये ई है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़े नहीं तो मेरी जैसी गलती करेंगे, ई एच आ गया है रूट अंडर वन प्लस, वही मैंने कहा कॉस थीटा गलती से भी वन से बड़ा कैसे हो जाएगा, ठीक है मेरी गलती है, मैं मिस्टेक करता हूं, मैंने यहां तक पढ़ने के बाद मुझे लगा इज रूट फाइव, यहां पर लग के मैंने गलती कर रहा था, इज रूट फाइव टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इलिप्स को कन्वर्ट करो दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय ये 5 डिवाइड में ये इधर, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू, इसेंट्रिसिटी निकाले बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ई एच लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां से आता है इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी आती है दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाय, ठीक है, तो यहां पर बी स्क्वायर बच्चों बी स्क्वायर, यहां पर देखो अब इसमें डाउट हो सकता है, डाउट क्लियर करें, ये छोटा है ये छोटा है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में थीटा अगर जीरो से पाई बाई टू है कॉस की वैल्यू वन से छोटी होगी, वन से छोटी होगी मतलब ये फ्रैक्शन होगा, तो फाइव इंटू वन है ये और ये फाइव इंटू लेस देन वन है, तो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से छोटी है, मतलब यहां पे ए लेस देन बी का केस है, तो ए लेस देन बी होगा तो ये ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहां पर ए स्क्वायर आएगा और यहां पे b स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज a लेस देन b, ये देखना चाहिए, तो यहां पर भी मैं 1 माइनस a स्क्वायर की जगह 5 cos स्क्वायर थीटा बाय 5, ये कैंसिल है और ये eh है, e e है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि ये जो टर्म है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा ये रूट 5 टाइम्स है
रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा है, थीटा निकालना है। अब आप निकाल सकते हैं, पहले थीटा निकाल लो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फाइव माइनस फाइव कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज सिक्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू बाय थ्री। हाँ, अब क्या चाहता है, देन द लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम कितना होता है, टू बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, इलिप्स का लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम होगा टू बी स्क्वायर बाय ए, लेकिन क्योंकि ए छोटा है बी से तो एल एल आर जो होगा वो बदल जाएगा, टू ए स्क्वायर बाय बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई मैं बार बार भूल रहा हूं, ए लेस देन बी में टू ए स्क्वायर बाय बी होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू थी फाइव कॉस स्क्वायर, तो टू इंटू फाइव कॉस स्क्वायर थीटा एंड बाय रूट फाइव। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू टू बाय थ्री रखेंगे तो टू बाय थ्री, सो इट इज टेन इंटू टू बाय थ्री बाय रूट फाइव। अब ये जो भी दे रहा हो गंदा सा, रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो ये फोर फोर रूट फाइव बाय थ्री आ रहा है भाई, फोर रूट फाइव बाय थ्री। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, छोटी छोटी मिस्टेक होती है, मैं भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो गलती हो रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ई वन एंड ई टू आर दी इसेंट्रिसिटी। अब पूरा पढ़ेंगे, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स एंड हाइपरबोला दिस रेस्पेक्टिवली, एंड ई वन कॉमा ई टू एक कोऑर्डिनेट बना दिया, इज अ पॉइंट ऑन द इलिप्स, दिस के की वैल्यू बतानी है। तो ई वन निकालना है और ई टू निकालना है, ठीक है। तो ई वन इलिप्स की अंडर रूट ऑफ वन माइनस, अब आप समझ रहे हो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन आपको लगता है कि कहीं ये आईआईटी या जेईई मेंस में आने लायक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कितने आसान प्रॉब्लम आ रहे हैं। इवन इज बी स्क्वायर, ए बड़ा है बी से तो 4 बाय 18, ठीक। सो इट इज 2 2 सा 2 9 सा, सो इट इज रूट 7 बाय 3। ई टू कितना हो जाएगा, ई टू देखो इक्वल टू 1 है तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो 4 बाय 9, सो दैट इज रूट 13 बाय 3। तो E1 कॉमा E2 मतलब रूट 7 बाय 3 कॉमा रूट 13 बाय 3 ये आ गया है। अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो K की वैल्यू K इक्वल टू 15 इंटू X1 स्क्वायर मतलब 7 बाय 9 प्लस, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 13 बाय 9। तो 3 3 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 1 जा 35 एंड ये तो 13 ही है बाय 3, तो दिस इज 48 बाय 3 16 आंसर है, एक कथन सत्य है। मेरे ख्याल से सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चों सब कुछ वैसा डिक्टो रखा है, जनवरी का 2020 का क्वेश्चन है और इतने सड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको लगातार दिखना चाहिए कि कुछ भी जितना आपको थ्योरी में बताया उससे आगे कहीं नहीं जाएगा। इफ दिस इज द टेंजेंट टू दिस, ये इसकी टेंजेंट है फॉर सम ए रियल वैल्यू, देन डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई कितना होता है, कोई भी इलिप्स आपने लिया, इसने दिया नहीं है ए की वैल्यू। अच्छा टेंजेंट के लिए तो कोई केस होता ही नहीं, ठीक है। अगर हमने मान लिया है ये ए कॉमा जीरो, ये माइनस ए कॉमा जीरो, तो ये फोकस है एफ वन और एफ टू, तो बच्चों इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, टू ए वन एफ टू पूछ रहा है, टू ए, ठीक है। हमें ए मिल जाना चाहिए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो अपन बाद में निकाल लेंगे। तो देखो ये टेंजेंट दी है, तो टेंजेंट को कन्वर्ट करो स्लोप फॉर्म में, कन्वर्ट करने के लिए 4y कितना हो गया माइनस 3x प्लस 12 रूट 2, ठीक है। y कितना हो गया माइनस 3 बाय 4x प्लस 3 रूट 2, इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह 9 है। अब जरा ध्यान से देखो स्लोप मिल गया, कंपेयर कर लें, स्लोप है माइनस 3 बाय 4, पुट कर देंगे इन दोनों को इक्वेट करें, तो प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम की वैल्यू 3 बाय 4 है मतलब 9 बाय 16 प्लस 9 इक्वल टू 3 रूट 2। इसमें से आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सो इट इज 9 तो कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 16 बाय 16 इक्वल टू इट इज 9 इंटू 2, 9 कैंसिल कर दें, इधर ले लें, ए स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू है 32, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ रही है, ठीक है दोस्तों। ए स्क्वायर 16 आ गया तो बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर लगाओ, तो यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर, मतलब नाइन बाय ए स्क्वायर, मतलब सिक्सटीन मीन सेवन, रूट सेवन बाय, तो टू ए ई पूछा जा रहा है, तो टू ए ई, टू इंटू ए, ए होगा फोर और ई आ रहा है रूट सेवन बाय फोर, टू रूट सेवन इज द राइट आंसर। हो सकता है मैंने स्पीड से किया है, आप थोड़ा आराम से बनाए, क्वेश्चन जरूर बनेगा, आंसर जरूर आएगा, समझने की कोशिश करें, कुछ नहीं कर रहे, जब भी कोई लाइन दे रहा है या किसी एक लाइन की इक्वेशन हम निकाल पा रहे हैं, दूसरे वो दूसरी की भी टेंजेंट बन रही है, स्लोप फॉर्म से कंपेयर करके आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। देन द नॉर्मल, नॉर्मल पे एक क्वेश्चन आया है, देखें क्या है, इफ द नॉर्मल एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटर रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, अब इलिप्स कहीं नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड इलिप्स माने, ठीक है, पासेस थ्रू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस, बोल रहा है नॉर्मल, कोई भी इलिप्स मान लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी के लिए स्टैंडर्ड इलिप्स मानते हैं। अगर कोई कहे कि सर अगर मैं स्टैंडर्ड इलिप्स के जाए बी ग्रेटर देन ए का लेता तब भी आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि उसने कोई उसमें कंडीशन नहीं लगाई है। ठीक है, तो अपन ए ग्रेटर देन बी का लगा रहे हैं। अब ये बोल रहा है नॉर्मल एट दी वन एंड, एट दी एंड ऑफ लेटर रेक्टम, लेटर रेक्टम क्या होता था, ये फोकस अगर आपको याद हो, एंड पॉइंट ऑफ लेटर रेक्टम लिखवाए दे, इट इज ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, अब इस पे जो नॉर्मल डल रही है वो किससे पास हो रही है, पासेस थ्रू द एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस, ये होगा जीरो कॉमा माइनस बी, ये होगा जीरो कॉमा बी। ठीक है, तो हमें सेंट्रिसिटी के बारे में कुछ पता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप टेंजेंट याद रखो, टेंजेंट से हमने नॉर्मल याद रखना चालू किया था, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है सेकंड डिग्री कर्व पे तो उस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी, मान लो ये एक्स वन वाई वन होता, ठीक है, इलिप्स ले लिया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है दोस्तों, अब अगर मान लो ये एक्स वन वाई वन होता तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती, टी इक्वल टू जीरो, अगर पॉइंट कर्व पे होता है टी इक्वल टू जीरो, इट इज एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन। अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते थे, सिखाया था अगर पॉइंट का कहते हो, जो पैरामेट्रिक में आपको डेरिवेशन बताया था वही इसमें लगेगा, रोटेट कर दो, ट्रिक बताई थी रोटेट कर दो। बेसिक तरीका क्या है, हमें पॉइंट दिया है, हमें स्लोप है, टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप निकालो, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आंसर निकालो, मगर ऐसा ना करें, डायरेक्ट जाए रोटेट करो, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन, साइन चेंज हो जाएगा टेंजेंट से नॉर्मल में, इसको रोटेट करो, बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन, ये स्लोप का केस आ गया, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट माइनस लगा के क्या करते थे, पॉइंट पुट करते थे, पॉइंट क्या है एक्स वन वाई वन, तो इसमें एक्स वन पुट करेंगे ये कैंसिल, वाई वन पुट करेंगे ये कैंसिल, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ रहा है। अब यहां पर एक्स वन वाई वन की जगह हमने लेटर रेक्टम का पॉइंट लिया है, तो नॉर्मल की इक्वेशन पुट करके निकाल लें। अरे भाई सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा, माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन, वाई वन इज बी स्क्वायर बाय ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह भी लिख दूं ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि हमें ई चाहिए इसलिए सोच रहा हूं ऐसा। एक ए कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया ए ऊपर, तो ए एक्स बाय ई माइनस इट इज ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहां से ये किससे पास हो रही है, ये तो टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है, किससे पास हो रही है, जीरो कॉमा माइनस बी, तो एक्स की जगह रखेंगे जीरो और वाई की जगह माइनस बी, तो प्लस ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक ए कट गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, क्योंकि बी स्क्वायर की रेंज वैल्यू हमें पता है, हमें कुल मिला के ए और बी हटाना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर, कट गया, रिलेशन आ गया है ई की पावर फोर प्लस ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, थर्ड ऑप्शन सही। अरे क्लियर है सबको, ठीक है, तो इसमें लेटर रेक्टम याद रखना था, टेंजेंट का जो केस बताया है, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए भी हमने ये सीखा था कि पहले टेंजेंट की इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो से निकालें, उससे नॉर्मल रोटेट करके निकालें, नहीं याद रहे बेस्ट तरीका बताया हुआ है, इसे याद रखें, कारण है आपके सामने है जो कारण है। हाँ भाई
अच्छा ये केस और बताया है क्या, ये पी ए प्लस पीवी जब भी दिखता है मुझे पी एफ वन पी एफ टू की याद आती है। क्या बोल रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट ए एंड बी दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक, इलिप्स तो दे दिया है 16y² / 144 = 1, तो 9 से जाएगा x² / 16y² / 9, ये तो बन गया ठीक है। अब इस पर कोई दो पॉइंट है, दो, पहले निकाल लेते हैं, मुझे डाउट है इसकी फोकस कहीं ये तो नहीं आ रही ठीक है, फोकस होता है ए, तो ई निकालो रूट ऑफ ए बड़ा है बी से 1 - b² / a² ठीक है, तो रूट अंडर 1 - b² 9/16 वही आ रहा है मेरे ख्याल से √7/4 ये आ गया e, तो ए ए कितना हो गया, ए कितना है 4, तो 4 × √7/4 √7 आ रहा है भाई, बिल्कुल सही है, ये √7,0 है और ये -√7,0 है, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पी पॉइंट पी एफ वन प्लस पी एफ टू हमने सीखा था, इट इज पी एफ वन प्लस पी एफ टू कितना होता है 2a होता है, a की वैल्यू कितनी है 4, आंसर इज 8, सेकेंड ऑप्शन ट्रू है, देख रहे हैं थोड़ा सा चालाक बन रहा है लेकिन बहुत हल्का सा चालाक बन रहा है मेरे ख्याल से, सबको समझ आ रहा होगा ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेंस का एडवांस का अगर होता और ये नहीं भी होते तो भी बना सकते थे, बट जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, अच्छा 2019 तक पहुंच गए, हाइपरबोला के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इलिप्स के आए हैं, इलिप्स हाइपरबोला में देखें, और आप देख रहे हो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन भी अगर हाइपरबोला का है तो कोई दमदार क्वेश्चन नहीं आ रहा कि बहुत सॉलिड क्वेश्चन आया हो। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला ले लो मतलब x² / a² - y² / b² इसकी इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6 से पास कर रहा है, इसकी सेंट्रिसिटी 2 दी है, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4,6 ठीक है भाई, तो पहली बात तो 4,6 सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कराओ ए और बी तो निकाले, 4,6 सेटिस्फाई कराया तो ये हो गया 16y² - 36y b² = 1, और इसेंट्रिसिटी तो b² = होता है a² e² - 1, ध्यान रखना हाइपरबोला है और e दिया है 2, तो ये 3 हो गया, तो b² = हो गया 3, ये 4 - 1 3 हो गया 3a² पुट कर देते हैं 36/3a² = 1, तो 3 12 से एलसीएम ले, अब एलसीएम ले लो भाई, तो 16/a² - 12/a² = 1 है, तो a² = 4 है, a² आ गया तो b² आ गया, b² कितना हो गया भाई 12 हो गया। अब बताओ अब क्या बिंदास, x² / a² मतलब 4 - y² / b² = 1, अब टेंजेंट की इक्वेशन 4,6 इस पर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, अरे जब बोला ही है कि इसी से पास होकर जा रहा है हाइपरबोला मतलब इस पर सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर किसी भी हाइपरबोला पर कोई पॉइंट है जो उसी हाइपरबोला पे लाई कर रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है t = 0, आप चार बार बोलोगे तो कोई भी कमरे से बाहर निकल के बता देगा t = 0, इतनी बार t = 0 लगा चुके हैं, तो x = 4 y / 6 / 2 x - y / 2 = 1 मतलब 2x - y - 2 = 0, क्या कहते हो मजा आ रहा है, खुद से क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, आपने अगर सारी प्रॉपर्टी सब कुछ जो मैंने बताई थी केवल उतनी ही याद की होगी तो भी क्वेश्चन बन रहे होंगे। एक आखिरी क्वेश्चन ये बचा है मेरे ख्याल से इतने ही के लिए, अच्छा और भी है, दो क्वेश्चन है भाई ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे, देखते चले, बोल रहा है अ हाइपरबोला हैविंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ √2a, आपको बताया था ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब कोई भी स्टैंडर्ड हाइपरबोला अगर हमने लिया है x² / a² - y² / b² = 1 ठीक है, इट इज ट्रांसवर्स एक्सिस, तो लेंथ इसकी दी है मतलब 2a दिया है
ठीक है, हैज द सेम फोका है एज द इलिप्स, इलिप्स की जो फोकस है, ये अगर फोकस है इसकी मतलब इलिप्स कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो इसकी इलिप्स की जो फोकस थी वही हाइपरबोला की भी फोकस है, डायग्राम की जरूरत नहीं है, मतलब इलिप्स की फोकस निकाल लो वो इसकी फोकस हो गई तो ए ही मिल जाएगा, तो उससे इसेंट्रिसिटी आएगी, तो देन दिस हाइपरबोला नॉट पासेस थ्रू। अच्छा पॉइंट पुट करके देखने, हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी फोकस निकालो, ए निकालो, ए की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस वाई स्क्वायर बाय थ्री, ई कितना होगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस ए बड़ा है बी से, सो थ्री बाय फोर, सो इट इज वन बाई टू, तो ए ए कितना हो गया ए इसके लिए, सॉरी ये ए वन लिख देता हूं, ए वन ई लिख देता हूं, ठीक है, ए अपन ने हाइपरबोला के लिए मान लिया ना, तो ए वन ई वन बोल देता हूं, ए वन ई वन, ठीक है, तो ये ई वन था वन बाई टू, ये था टू, इट इज वन, तो फोकस आ गया है, अब इसका जो फोकस था वही इसका था, तो इसका मतलब ये यहां पर ए ई की वैल्यू वन होगी, अब ए की वैल्यू कितनी आ रही है वन बाय रूट टू, तो ई की वैल्यू आ गई है रूट टू, ये हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आ गई, अब बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, तो ए स्क्वायर इज वन बाय रूट टू मतलब वन बाई टू, एंड दिस इज टू माइनस वन, सो इट इज अगेन वन बाई टू, तो पुट करो तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है वन बाय रूट टू मतलब वन बाई टू माइनस वाई स्क्वायर वन बाई टू है मतलब, अच्छा ये भी वन बाई टू है, ओके इक्वल टू वन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू या टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, अब आप देख लीजिएगा चेक कर लें, वन बाय रूट टू वन बाई टू जीरो, यही सेटिस्फाई कर रहा है, पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है भाई, पहले ही पता है, सेकेंड वाला देख लें, नॉट कह रहा है क्या, पॉइंट नॉट पासिंग थ्रू, डज नॉट पासिंग थ्रू, अरे ध्यान रखना पहला ऑप्शन सही नहीं है, पहला सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा रखो तो ये थ्री बाई टू हो जाएगा, टू टू कट गया, थ्री माइनस टू वन आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, वन पुट करते हैं, वन पुट किया तो ये टू और ये वन, तो टू माइनस वन भी वन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन गलत होगा, तो थ्री बाय टू तो थ्री और माइनस वन तो टू आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन सही है, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देख रहे हो गड़बड़ हो जाती है, अभी अभी अपन ए ऑप्शन लगा के टिक चला जाता है, ये गलतियां हो जाती हैं, अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ें, मेरे से मिस्टेक हो रही है, चल रहा है आपसे नहीं चलेगा, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अच्छा देखो मिड पॉइंट फॉर्म ऑफ अ कॉर्ड आ गई, ठीक है, किसी सर्कल की, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसकी कोई कॉर्ड है उसके मिड पॉइंट का लोकस मतलब एच कॉमा के, ठीक है, विच इज टेंजेंट, ये जो कॉर्ड है ये टेंजेंट है किसकी, हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला भी ऐसा कुछ जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हाइपरबोला जा रहा होगा, तो यहां पर कहीं टेंजेंट है हाइपरबोला की, तो उसका लोकस निकालना है अपने, तो पहले तो आप टेंजेंट की केस लगा लें, ठीक है, कैसे टेंजेंट का केस लगाएं, तो सर्कल की आप कॉर्ड का केस लगाओ, मिडिल पॉइंट फॉर्म ऑफ कॉर्ड क्या होती थी, t इक्वल टू एस वन लिखवाया था, तो सर्कल की इक्वेशन ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 25, इधर और पॉइंट कौन सा है, एक्स वन वाई वन की जगह क्या है एच कॉमा के, तो एच कॉमा के, तो एच एक्स प्लस के वाई माइनस 25, तसल्ली से बनाना, ये है t इक्वल टू एस वन मतलब पॉइंट पुट कर देते हैं, जब भी कोई भी पॉइंट जो दिया हो वो अगर कर में पुट किया जाता है तो एस वन कहलाता है, सो इट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 25, ये कैंसिल हो गया, ठीक है यहां तक, अब ये हो गया एच एक्स, डिवाइड कर लेते हैं, अब आपकी मर्जी, आप इसे स्लोप फॉर्म से कंपेयर कर लें उससे भी आंसर आ जाएगा, आप स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप पैरामेट्रिक फॉर्म से कर लें, जिससे आप चाहें, अब आप समझ गए होंगे करना क्या है, क्योंकि टेंजेंट जब भी आ जाएगी मैं स्लोप फॉर्म से कर लेता हूं, ठीक है, जैसे ही आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली कुछ नहीं बचता क्वेश्चन में, स्लोप फॉर्म लगाएं और आंसर पाए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के, ठीक है, और हाइपरबोला, ये टेंजेंट है किसकी, हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला की स्लोप फॉर्म वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इक्वेट करें, तो पहले इन दोनों को इक्वेट किया और दोनों तरफ स्क्वायर किया, इन दोनों, ये सी सी के बराबर होगा,
एम एम के बराबर होगा तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे इक्वेट करके, तो ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एम स्क्वायर। एम एम की वैल्यू कितनी थी माइनस एच बाय के, तो उसका स्क्वायर, सो इट इज एच स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस 16। एलसीएम ले लो, मेरे ख्याल से आंसर दिख रहा होगा, एक्स और वाई की जगह अगर अपन एच और के की जगह एक्स और वाई रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 16, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन। तो दोस्तों सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, काफी सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं और उम्मीद बस इसके साथ यही रखता हूं कि सब क्वेश्चन आप बना पाए, थ्योरी बार बार रिवाइज करें, और जो मैंने थोड़ी सी थ्योरी में मिस्टेक की है उसके लिए मैं फिर से माफी चाहता हूं, बाकी वो हट जाएगी, मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के साथ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।